एकांत तो बनवा दो, तब एकांत मूर्ति तो स्थापित करवा दो ना। बोले क्यों? बोले कि आप उनकी परंपरा को बढ़ाओ, तब तो कहेंगे कि आप उनके परिवार के हो। हमारे दोनों पंडित जी हैं, विनोद कुमार जी, सनत कुमार जी, अब दोनों पंडित जी हैं। तो मैं अभी इंदौर में जब महालक्ष्मी नगर में गया तो उनके घर पे पहुंचा मैं, तो उनके जो बच्चे हैं सब बच्चे भी काम में उसी काम में लगे और हटके चार कदम और आगे बढ़ के कामों में लग गए कि माँ जी हम लोग ये कर रहे हैं, हम सेवन लगाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना। मैं बड़ी खुशी हुई, करती हूँ तो मेरे मम्मी पापा का क्या नाम होगा, अगर अच्छा करती हूँ तो मम्मी पापा का नाम होगा और अगर मैं अच्छा नहीं करती हूँ तो मम्मी पापा का नाम बदनाम भी होगा। और यदि हम ऐसा सोच करके अगर हम अपने मम्मी पापा को सर्वोपरि रख करके और यदि कोई काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो लड़की कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि किसी के घर में रहने वाले सास ससुर को भी कोई उनका हृदय दुखे, दिल दुखे उनका, नहीं करेगी। पर हमें अपने ऊपर किसी को सवाल करना पड़ेगा, किसी न किसी को सवाल करना पड़ेगा। कभी तकरीबन पानी की टंकी जो पूरे मकान में सप्लाई करती है उस टंकी को सर्वोपरि सबसे ऊपर छत पर रखा जाता है, तब जाकर के वो आपके लिए सहयोगी बनती है। ऐसे ही हम लोगों को भी जो हमारा होता क्या है हमारा ना, मेरे ग्रस्त जीवन के जो पिताजी थे, अब देखो उनका तो रेस्टोरेंट था, अब रेस्टोरेंट था तो रेस्टोरेंट पे मैं भी जाता हूँ, शौक से बैठ जाऊँगा पिताजी के, तो चलो जाओ तुम। हमें क्यों? नहीं तुम्हें नहीं बैठाना है, रेस्टोरेंट में नहीं बैठाना है, तुम्हें अलग काम करवाएंगे, तुम्हें नहीं बैठाएंगे। क्यों? अरे रेस्टोरेंट तो क्या होता है, तरह तरह के लोग आते हैं, मैनी मैन मैनी मैन ना, तुम नहीं बैठो, तुम्हारे दूसरे काम, तुम बैंक जाओ, पैसा डालना है, लिमिट से निकालना है, मुझे वाले काम को ना, ऑर्डर लेने जाना है ना, कॉलेज में जाना है, प्रिंसिपल से मिलोगे, उनसे नाम फेर के बातें करोगे, उनके पास जाओ, बैंक में जाओ, मैनेजर से बातचीत करना है, ना उनसे जाके मिलो, ये तुम्हारा काम, बैठने काम हमारा है। क्यों? पर नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर किसी भी तरह के ना वैसे संस्कार ना पड़ जाए ना, कि हमें रेस्टोरेंट वाले से संस्कार ही डालना है, मुझे बिठाते थे हाँ उसमें घूमना है घूमे आओ, जहाँ जाना जाओ, पर एक टाइम भी मैं बैठ जाता हूँ, चलो आप जाओ, आप जब बैठे रहते हो जाइए। वो कहते नहीं, वो कहते कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर संस्कार अलग टाइप के होना चाहिए ना। और जब मैं केशनाथ कंडिया बैराग आते ही सबसे पहले केशनाथ कंडिया में प्रवेश करते ही चार दिन हुए थे प्रवेश किए संघ में, और वो बड़े बड़े बाल थे, चाचा से बोले कि बेटा बाल बहुत बड़े बड़े हैं, अब आपको आगे बढ़ना है तो नाई से कटवा लो। बोले नाई से बाल कटवा लो, अब नया ना मिला प्याज ज्यादा खाता है कहते ना, तो मैंने कहा नहीं 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 हम केशव करेंगे, केशव खाते क्यों मना किया, नहीं नहीं है ना, और मैं भी जिद पड़ गया नहीं नहीं हम भी करेंगे ना। ठीक है अब अच्छे दिन ठीक है, उस समय निर्णय लगा लेते हैं उनसे कहा कि केशव करो ना, तो उन्होंने केशव किए, मुश्किल से 20 बाल ही खींच पाए होंगे, तो मतलब बेहोश हो गया, अब बेहोश हो गया तो आधा घंटे बाद होश में आए, आधा घंटे बाद होश में आए, और आधा घंटे बाद जब होश में आके फिर मैं बैठा तो मैं ये ही भूल गया तो मैं केशव कर रहा था, तो सब देखा सब चार पांच महाराज लोग बेचारे गिरी में अपनी करके हवा कर रहे थे ना। फिर जैसे उठ के बैठा क्या हुआ, अच्छा से बोले हुआ कुछ नहीं, आपके केशव चल रहे थे, उन्होंने केशव चले थे तो तुरंत सब पे हाथ रखा, हो गए क्या, देखा पूरे पूरे रखे पूरे पूरे बाल रखे ना। चाचा से चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इच्छा थी कि केशव करने का मन था, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, पर अब एक काम करो नाई बैठा है अभी उससे अपने बात छोटे करवा दो। उन्होंने कहा नहीं, फिर तुरंत माँ और पिताजी देखने लगे, मैंने कहा सारी जिंदगी भरे लोग ये कहेंगे, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं है ना कि बा बड़े हेकड़ी मार रहे थे कि केस नॉट करेंगे, और देख लो आखिर में केस कैंची से कटवाना पड़े। मैंने कहा नहीं मैं गुरुदेव केस नॉट करूँगा,
अरे पागल, 20 बार अगर तुम बेहोश हो गए, पूरे रात कितनी बार बेहोश हो गई? मैंने कहा अगर आप बेहोश हो जाए ना तो होश में अपना पूरे केसों कर देना, जब पूरे केसों हो जाए ना तब होश में आना, करो केसों पर क्या नहीं होगी। फिर हम बैठी जब जिद पड़ गई, मैं खूब किया समझा समझाया, नहीं केसों केसों नहीं करूँगा। फिर हमने कहा ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे केसों किए, पूरे पूरे केसों हो गए, होश नहीं हुआ, आज तक केसों चल रहे। तो अपने अंदर एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप चलो उठो बैठो खाओ पियो कोई भी कार्य करो कोई भी चर्या करो, आपको वहाँ घर पे रहो तो माता पिता का हौदा दिखना चाहिए, और अगर मनाज बन जाओ तो तुम्हारे सर पर हमेशा भीत लागी भगवान राजमान होना चाहिए। यदि आपके सर पर भीत लागी भगवान विराजमान है तो आप कभी भी कोई गलत काम कर सकते, आपको हमें दर्द है नहीं, मेरे गुरुदेव क्या सोचेंगे, मेरे प्रभु क्या सोचेंगे, मेरे प्रभु को मुझे जवाब देना है, खाली मैं ऐसा सुन लिया कुछ करता रहा हूँ जाके जीव परमात्मा का चुरा कर उसका पैसा नहीं, थोड़ी सतर्क सजग रहो हमेशा, है ना। तो ये कहते हैं इसलिए आज मैं सभी अपने घरों के जो जितने ग्रस्त जीवन के लड़के हैं लड़कियां, मैं उनसे ये कहूँगा लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, कि आप जब भी आपकी मैरिज हो तो आप अपनी अपनी भूमिका को अपने अपने किरदार को बेखूबी निभाओ, और इतने सुंदर तरीके से निभाओ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी की हंसी ना हो, क्योंकि माता पिता भगवान के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो माता पिता का नंबर आता है। जैसे माता पिता को माता जी, हम लोग जब दीपावली होती है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन बाद में करवाते हैं, मतलब भगवान की पूजन बाद में करवाते हैं। हम लोग कहते हैं इंदौर में भी यही करवाया था, और यही नियम दिए सबको कि पहले अपने मम्मी पापा को नहला धुला करके अच्छे से नए कपड़े दो, उनको कुर्सी पे बैठाओ, है ना, माला पहनाओ, अपना उनके लिए लिफाफा भी दो, और उनके चित्र सब पूरा परिवार बहू बेटे सब मिल करके झूमो नाचो, उनके सामने चिपकमा लगाओ, और अपने उनके सिरों मतलब पैरों पर अपना सिर रख करके पूरे सालों में क्षमा मांगो ना। लोगों ने जब किया, जब ऐसा उन्होंने किया वहाँ पर, कितने माता पिता जब दूसरे दिन आए उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के, प्रभाज श्री ऐसी दीपावली पहली बार मनाई। तो माता पिता सम्मान नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करेगा वही व्यक्ति गुरु का सम्मान करेगा, तो गुरु का सम्मान होगा, और जब जो व्यक्ति गुरु का सम्मान कर लेगा वही व्यक्ति भगवान का सम्मान करेगा, और जो गुरु माता पिता गुरु और भगवान का सम्मान करेगा उसका नियम से जग में सम्मान होगा, उसकी यश उसकी कीर्ति अपने आप फैलेगी। इसलिए महान बात कहने का ये कि हमें अपनी जिम्मेदारी जो है उसको भी निभाना है, क्योंकि देखिए खाली चावल नहीं चढ़ाना, खाली चावल चढ़ाया काम खत्म, नहीं चढ़ाया काम खत्म ना, हमें अपने जीवन में क्योंकि जन्म जो मिला है वो मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, जन्म जो मिला है वो आत्मरंजन के लिए मिला है। मनोरंजन करते रहो, प्रवत मनोरंजन कर लिया, मैंने भी 24 साल मनोरंजन किया है, और मुझ जैसा मनोरंजन किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा जैसा मैंने मनोरंजन किया है ना। जितना मैं ना मंदिर से मतलब, ना भगवान से मतलब, ना गुरु से मतलब, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था अभी मतलब नहीं है, तो टाइम आएगा ना ऐसा मतलब रखोगे घर ही छोड़ दोगे ना। और ऐसी मोहब्बत करो भगवान से, भगवान से दुनिया से प्यार करते हो, बीवी से प्यार, कहीं किसी से प्यार, बेटी से प्यार, कहीं पत्नी से प्यार, है ना। अरे प्यार करो तो भगवान से करो, ऐसा प्यार करो क्योंकि प्यार करना भी जरूरी है, प्यार करना भी जरूरी है, प्यार करो अगर टूटते हैं प्यार करने के लिए खूबसूरत करो, है ना। प्यार उनसे मत करो जो खूबसूरत हैं, प्यार उनसे करो जिनसे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी लाइफ खूबसूरत बन जाए। हम ये भी उनसे प्यार करते हैं, जबरदस्त प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब से गुरुवर से प्यार किया है तब से हमारी लाइफ खूबसूरत बन गई,
और जब मेरी लाइफ खूबसूरत बनी तो मेरे मम्मी पापा की तो लाइफ अपने आप खूबसूरत हो गई। वो गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटी तो ध्यान सागर है। इसलिए हम लोग ध्यान रखें महाभाव, अपनी अपनी लाइफ में जीवन जियो, ऐसे जियो जिंदा दिली के साथ, घिसट घिसट के मत जियो, हंसते जियो, मुस्कुराते हुए जियो, एंजॉय करते हुए जियो, ऐसे जियो कि आपको देख करके तुम्हारे मम्मी पापा को गर्व हो। मेरे पिताजी जो थे ना, और जब मैं घर पे था, अगर मान लो कभी गाड़ी से आया हूँ और एकदम मोटरसाइकिल से वो हवा चली तो पूरे बाल बिखर गए, बाल बिखर गए, और ध्यान नहीं दिया सीधे दुकान में घुस कर गए। तो पिताजी कहते तुरंत अपने हाथ से बाल सीख रहे, बाल सीख लो अच्छे तरह अच्छे ना। हाँ वो कहते मेरा लड़का है ना हीरो दिख रहा था, अगर मान लो कोई सेविंग बढ़ जाए, सेविंग बढ़ जाए और मान लो अपने मस्त रहे कि ठीक है लड़के बच्चे हैं गाड़ी लड़के बढ़ जाए, दादाजी क्या करेंगे। तो मैंने कार को सिर्फ 2 रुपये लगते थे माइक के यहाँ जा करके, 2 रुपये मान लो भैया 2 रुपये में गाड़ी बन जाती थी। तो पिताजी क्या करें तुरंत जिस दुकान पर जाएंगे 2 रुपये निकाल के दे देंगे, तो कह के लिए चलो कर बाद में आएंगे अभी। अरे कैसे गाड़ी बनाओ क्या। तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है, माता पिता जितना आप नहीं सोच सकते हो उतना माता पिता तुम्हारे बारे में सोचते हैं ना। आप हमारे बच्चे कितने क्यूट दिखे, सुंदर दिखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने ना, पता ही मंदिर जाते दर्शन करने के लिए ना, रास्ते से लौट के आते थे तो रास्ते में भी कहीं किसी शोरूम पर जरकेट टंगी अच्छी वाले अच्छे कपड़े टंगे तो कपड़े ले आएंगे कि हमारे बेटे का अच्छा खुलेगा ना। इतना मैं उनको देखता पल जब इतना प्रेम करते मुझसे, तो अब मैं सोचता था कि जो इतना प्रेम हमसे करता है हमें इसके बदले में कितना प्रेम करना चाहिए। तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे जब गुरुदेव के पास गया था ना, और मैंने कहा कि वो पिछी का काम चल रहा था, पिछी बन रही थी, अचानक चला गया दोस्तों के साथ तो पिछी बन रही थी, तो लोग कहते हैं कि पिछी बन रही है, हमने पिछी हाँ हमने ये बन रही आपका है तो क्यों बना रहे हो, करनी चेंज होगी तो चेंज हुई बच्चे कहाँ जाएगी, हम ये हमें दे दो हाथ में मिल जाएगी, बड़े माँ से बात कर लो। मैं बड़े माँ पर चला गया दूसरे दिन ना, हमने 2 मिनट की बात करनी है, बोले करो मेरा पिछी चाहिए यहाँ मिल जाएगी है ना, तो ये हमें दो। बोले ऐसे नहीं मिलती है, पर कैसे मिलती है, पूरे नियम रहना पड़ता है नियम। हमने क्या क्या नियम ना, बोले ब्रह्मचर्य का, अब हमने ब्रह्मचर्य कभी सपने में नहीं सुना था क्या होता है, ब्रह्मचर्य नियम लेना पड़ेगा, हमने कहा दे दो। तो मैंने सोचा कि मम्मी बताती थी कि ना मंदिर से जुड़ो तो आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, तो मैं इसी को ब्रह्मचर्य समझ लूँगा। तो बोले कि नियम लेना पड़ेगा ब्रह्मचर्य का, हमें दे दो 1 महीने का, और 1 महीने होता है हमने 2 महीने का दे दो, 6 महीने का दे दो, नहीं 6 का नहीं चल 1 साल का दे दो, नहीं 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 5 साल का लेना पड़ेगा। अच्छा जी बड़े क्यूट से 5 साल देना पड़ेगा, मस्त लाए और चेहरा हिलाया, 5 साल का देना पड़ेगा। मैंने 5 साल का यार कैसे संत पीछे पड़ गए 5 साल के, फिर 5 साल का मैंने चलो ठीक है जो 5 साल का बाहर की छूट। अब जैसे आप लोग हंस रहे ना सब लोग हंस रहे, मैंने सोचा है ये लोग क्यों हंस रहे हैं ना, फिर अब बाहर बाहर ज़्यादा जाना पड़ता था बाहर की छूट, तो अच्छा जी भी हंसे अच्छा से बोले कि पागल हो ब्रह्मचर्य में बाहर का नियम क्यों ना होता है कुछ। मैंने अरे तो ब्रह्मचर्य तो मतलब क्या होता है ये बताओ, अरे शादी नहीं करेंगे, अरे शादी नहीं करेंगे 5 साल शादी नहीं होगी। हमारे जो सोच रहा था कि भाई ना 22-23 साल का हूँ 2-3 साल का व्रत ले लेंगे तो 25-26 साल शादी कर लेंगे ना, उनका नियम भी पूरी हो जाएगी बात करके, नहीं होना 5 साल शादी नहीं करना है। मैं ठीक है नहीं करेंगे क्या दिक्कत है, जो पिछी और जब पिछी दी गई तो दुनिया में जो पूरे बीना के लोग हैं जिन्हें कभी मंदिर में नहीं देखा मुझे, उन्होंने पहली बार सुना नाम, मैंने कहा कि कौन बंटी भैया है, हाँ घर में नहीं हो तो पहले वही समाज में जैसे नाम बोला
जिनने बेचारे 4 महीने आहार दिए, जिन्होंने 4 महीने सेवा की, 4 महीने सोच क्रिया में साथ साथ गए, 4 महीने पूरे हर क्रिया में महाराज की क्लासें पढ़ी, आहार कराने गए, सब उम्मीद लगा के बैठे थे हमें मिलेगी, कोई कह रहा है इनको मिलेगी, कोई कह रहा है इनको मिलेगी, और जैसे ही मेरा नाम बोला सब लोग चौंके, अरे सब देख रहे कौन है, कौन है, कौन खड़ा हुआ है ना, हम खड़े नहीं हुए, मैं सोचा मेरा नाम क्यों बोलेगा ना, पर जब किसी ने कहा हमारा नाम बोल रहा है जाओ तुम जाने रहे, हमारा नाम बोल रहा है, अब इतनी भीड़ में बड़ी शरण हो रही थी, समाज के बीच में पहली बार खड़ा हुआ, पहली बार 25 साल में जो उस समय 300-400 लोग मंदिर में थे उन्हें पहली बार खड़ा हुआ जैन समाज के बीच, सारी जनी मान से देख रही यहाँ आए, इसको दे दी पीछी, कहा देख के दे दी, कहा सोच के दे ना, डिसीजन गलत हो गया ना, पर मैंने कहा ना अभी कि जब भी कोई भी काम करो जुनून से करो, और ये सोच करो कि अब जेब पर इस पर काम कर ही रहे हैं तो अब इसको ऐसे करके दिखाएंगे कि जो, क्योंकि कुदरती लोग जो होते हैं ना वो जल्दी अच्छी अच्छी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे कहा गया है ना कि जो कुदरती लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग तो इतिहास को पढ़ते हैं, अपन पढ़ने वालों में नहीं थे, अपन इतिहास रचने वालों में थे, इसलिए इतिहास रच थे, इसलिए महान था। अपन देखेंगे हमारे ये पंडित जी बैठे ना, दो पंडित जी दोनों भाई हैं रजमास से, सनत कुमार जी विनोद कुमार जी ना, मेरा पहला चतुर्मास दीक्षा होते ही हम लोग भिलाई चले गए, अच्छा जी ने भिलाई भेज दिया था, और पंडित जी याद है आपको पहला चतुर्मास वहीं पर विधान हुआ था, हमारे पंडित जी थे सबसे पहले उस विधान में ना, उस समय ही पंडित जी ने मुझे देखा है ना, और आज की डेट में देख रहे है ना, कितना अंतर पंडित जी चेंज हो गया है ना, तो कहने का था कि हम जब कोई भी काम करें और ये सोच के करें जैसे हम कोई पैसा कमाते हैं तो पूरी तरह से उसमें डूब जाते है ना, ऐसे ही आचरण महाराज बोलते हैं अगर तुम नियम ले लो, संयम ले लो, दीक्षा ले लो तो उसे पूरी तरह से डुबकी लगाओ, पूरी तरह डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि भगवान बनकर के ही मोच जाना, तो महान भाव हम सभी लोग सोचना नहीं, जैन दर्शन में कहा गया कि सोचने वाले महाराज नहीं बन पाते, सोचने वाले माता जी नहीं बन पाते, आज मैं उनसे पूछ रहा था मेरी वो छोटी क्यूट माता जी हैं ना, गॉड श्री माता जी, गौर हर श्री माता जी, मैंने उनसे कहा कि आहार हो गया, हाँ हो गया, हमने अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया है ना, ये बहुत अच्छे से, फिर मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मुझे मना मिल गए ना, इतना ध्यान रखते मेरा खुश रही, तो वह देखेंगे कि गुरु का जब प्रेम मिलता है, गुरु का स्नेह मिलता है ना, फिर हमें दुनिया में कोई चीज़ दिखाई देती, कोई चीज़ दिखाई देती हमको है ना, बस आप तो क्या करो, आप तो ये सोच लो कि मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी, मुझे भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने एक ही समय इतना कीमती है, भरोसा नहीं कब सांस रुक जाए, भरोसा है क्या, कब अटैक पड़ जाए, कब प्राण निकल जाए, पर चला दूसरे दिन मोबाइल में, आज तुम सोच रहे कि हम कल दीक्षा लेंगे, प्रमोद जी बढ़िया दीक्षा लेंगे, पक्का लक्ष्य है ना, कितने लोगों ने ऐसा कहा था, पता चला कि मोबाइल में फोटो आई, ओम शांति हो गई, मैं कह लो कभी महाराज आके मेरे कमरे में बोले महाराज लोग तो कह दीक्षा लेंगे और तो चले गए, चले गए हाँ ओम शांति, आज लोग गुणायतन में एक महिला कमरे में रुकी थी, उन्हें की ओम शांति हो गई, हाँ अरे दादी है चश्मा लगाती थी वही, ओहो इसलिए कहा जाता है कि लोहा गर्म है चोट मारो, मैं बहुत ये जिद्री माता जी बन गई है ना, सुनीता जी सोचो कितना आनंद आ रहा है अमृत हर श्री माता जी बनकर के है ना, निधि हर्ष सागर निधि हर्ष श्री माता जी बनकर कितना आनंद आ रहा होगा बताओ है ना, मौली श्री मौली हर श्री माता जी कितना आनंद आ रहा होगा ना, विजय हर श्री माता जी है ना कितना आनंद, और देखो हमारे गौर को भी गुदगुदाते रहो और हंसते हंसते इनसे अपने नियम
संयम का पालन करवाओ, जिससे ये हंसते मुस्कुराते एक दिन अपना बोधि समाधि की प्राप्ति करें। एक लक्ष्य भाव क्या है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यू ही गुजरती रही ना, है कि नहीं। जैसे हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग सब आगे चलेंगे, समय इतना हो रहा है ना। कल्पना जी करते हो प्रवीण भाई, और आदिनाथ की पूजा करने का मतलब यही है कि आदिनाथ से शिक्षा ले लो, शादी शुदा लो। हम लोगों ने तो महावीर से ले ली, बोले कि वे बोले हमने करी नहीं, तो हम भी नहीं करेंगे, और क्या है ना। अपन तो महावीर के वंशज हो गए ना, पार्श्वनाथ के वंशज हो गए ना, विधि नहीं। पर अगर जिन जिन ने शादी करी ली है और बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादियाँ भी हो गई और बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो अब आदिनाथ कह रहे हैं कि हमारी तरह सबको छोड़ के अब तो महाराज बन जाओ, अब कभी कर, क्योंकि दोनों पिक्चर के दो पार्ट, एक पार्ट लाइफ तो घर का निकल ही गया ना, अब दूसरा पार्ट अपनी आत्मा को भी देख लो, अपनी आत्मा को देखकर उसका भी कल्याण कर लो, उसी का नाम तो दीक्षा है। इसलिए महान भाव मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने जीवन का कल्याण जरूर कर लेना, कहीं अपन ऐसे ही चले गए दुनिया से तो कभी भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, है ना। अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि बताओ हमने क्या क्या, इतना सुनहरा जीवन मिला, इतनी सुनहरी लाइफ मिली, और फिर भी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, सिर्फ हम रोज द्रव के चावल लेकर के उधर चंदन बोलते रहे, बस उधर चंदन तंदन फंस गए ना, अजय बोलते रहे और जीवन निकाल दिया ना। तीर्थ यात्रा करते रहे, शिखर जी की यात्रा भी हमारे लिए तो एक ही यात्रा काफी थी कि हम लोगों ने एक यात्रा की और महाराज बन गए, और तुम लोगों ने हजार हजार कर ली और महाराज नहीं बन पा रहे। सोचो किसकी यात्रा सफल ना, ऐसी यात्रा करो। इसलिए क्योंकि तीर्थ यात्रा भी तभी की उसी की तो सार्थक है कि हम खुद तीर्थ बन जाए, वो तीर्थ यात्रा जो हमें खुद तीर्थ बना दे वो तीर्थ यात्रा है। अपन बने रहे वही गिनती गिनते रहे, बस गए पहाड़ पे चक्कर लगाया वापस आ गए, एक हो गई, एक हजार हो गई, दो हजार हो गई, तीन हजार हो गई, पाँच हजार हो गई, हमने 5,000 का तो मोक्ष चले जाएंगे अच्छे से। जिस दिन 5,000 यात्रा करेंगे उस दिन पक्के में सिद्धों के बीच में बैठे मिलेंगे, तब एक में महाराज बन गए, एक जो की तो महाराज ही बन गए सीधे सीधे। सोचो क्या होगा, क्योंकि बंदे हाँ जोड़ो बोलो बंदे तत् गुण लब्ध, जहाँ भी जाओ है ना वहाँ के गुणों को प्राप्त कर लो और गुणों को नमस्कार कर लो, होगी यात्रा। श्री महाराज हम सब लोग ध्यान रखेंगे, पूरे महावीर भगवान की जय।